बताओ क्यों शक करती हो मुझ पे? तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? फिर से बात मत करो। ट्रस्ट है कि नहीं है? नहीं है। रात को 1 बजे मैसेज आ रहे हैं लड़कियों के। तुम मेरे पे शक कर रही हो? भाभी जी ये अंदर रखना है, फेंकना है इसे नीचे। अंदर रख सकते हो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। क्या हुआ गाइज? ऑफिस से आते ही इसको तुम ही सही करोगे अपनी। तुम्हारे आने से पहले 24 साल से मैं ही सही कर रहा हूँ। दिख रहा है 24 साल से सही ही नहीं हुई थी। सच्चाई ये है 24 साल का है ये है? तो मेरी उम्र ही क्या है? 16 साल के नहीं हो तुम? स्वीट 16 सही पकड़े है। मम्मी को वर्क डॉक्टर ने बोला था कि 40-50 मिनट बाद टेस्ट कराना, तो 40 मिनट बाद अपना सामान खरीद के वापस क्यों आ गए थे? वहाँ लेने जा सकते थे। मेरी गलती तो है ही, गलती तुम्हारी। बाम रगड़वाते रहो बस। क्या है? मेरा लैपटॉप से दूर रहे। किसी ने किसी का कोई मैसेज देख लिया गाइज। रात को 1 बजे मैसेज आ रहे हैं लड़कियों के। तुम मेरे पे शक कर रही हो? आई लव यू ना, कम हियर। आई लव यू नहीं कर रही हूं। नहीं, मैं तो प्यार कर रही हूं। तो प्यार करो। फोन देखो अपना, फोन चलाया करो कभी कभी मेरे सामने। क्यों कुंडी मारू भाभी जी? मैं ऐसा क्या जो तुम छुपा रहे हो? बहुत कुछ। क्या? मेरे फोन वोन को हाथ मत लगाया करो, मेरे को पसंद नहीं है। भाभी जी 100 रुपए दो, बता दूंगा। 100 रुपए तो भाभी बता दूंगा किसका मैसेज है। वो पढ़ लिया मैंने किसका मैसेज है, तभी पूछ रही हूँ। मैसेज बता दूंगा ना लिखा क्या है। ये उधर बैठा है और ये यहीं से बता देगा मैसेज में लिखा क्या। 100 रुपए दो ना आप। 100 रुपए मैसेज क्यों छुपा? ऐसा क्या था उसमें? कुछ भी था। अब तुम मेरी जिंदगी में हो सकते। ओए कार्ड टूट जाएगा, उसमें कार्ड लगा। तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? फिर से बात मत करो। ट्रस्ट है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है ना? जब मैसेज छुपा रहे हो तो ट्रस्ट नहीं है। अच्छा आज आराम से सोऊंगा। आज प्रैंक कर देते हैं। कुछ नहीं है डाइट। मैं तो मैगी खाई थी। जाओ ना यार, मत करो मत। क्या हो गया? क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं क्यों गुस्सा? गुस्सा हो तो फिर पकौड़े क्यों खा रही हो? गुस्सा नहीं हो तभी तो बोल रही हूँ। गुस्सा नहीं हो? गुस्सा नहीं हो तो पकौड़े खाओगी? और गुस्सा होती तो क्या करती? तो भी पकौड़े खाती। पकौड़े मेरे से ज्यादा जरूरी है। जाओ चैट कर लो। किससे? जिससे कर रहे थे। जाओ ये करोगे भाभी जी? रोज रोज भाभी जी तुम जो ऐसा कर। भाभी जी मैं जा रहा हूँ। क्या क्या कहा आपने? जाओ चले जाओ, वहीं चले जाओ। कहाँ जाओ? जहाँ से मैसेज आया था। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब। धूमता ना यार, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ भी है कि नहीं है? एक बार बता। पर्सनल लाइफ तो तुमने छुपा क्यों लिया? कुछ गलत था उसमें? तो मेरी पर्सनल लाइफ इसने छुपा लिया। अरे उसमें ऐसा क्या था? मेरी भी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ का मतलब ये होता है कि मैंने तुम्हारा फोन ले लिया और सारे मैसेज चेक कर रही हूँ मैं। तो पर्सनल लाइफ का मतलब यही होता है कि आप मेरे मैसेज चेक कर रहे हो? वो पर्सनल लाइफ का मतलब होता है खंडन करना। तुम्हारा मैसेज आया, मैंने ऐसे जाकर तुमने फोन हटा लिया, तो ऐसा क्या था उसमें? तुम मेरी पर्सनल लाइफ में जा रही हो। माय पर्सनल लाइफ इज माय पर्सनल लाइफ। तो जाओ, क्यों डिस्कशन करने आए हो? तुम गलत नहीं हो ना? जाओ फिर। क्या हो गया? तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा हुई? फिर मूड खराब करोगी, फिर बोलोगी ब्लॉग नहीं डाला। मैं गुस्सा ही नहीं हूँ। तुम अपना मूड खराब करना है तो डिस्कशन करते रहो। तो तुम गुस्सा कर रही हो ना? मैं गुस्सा हुई? तो भाई एक पर्सनल मुझे स्पेस भी तो मिलना चाहिए। तेरे ख्याल सो तू, मैं यहां करूंगी। फोन दे दे, चार्ज नहीं है मेरा फोन। ब्लॉग बना रहा है उससे। हां देखो ये कैसे गुस्सा करती है, किसी की प्राइवेसी में खंडन करती है। खनन ब्लॉग बंद नहीं होना चाहिए। खनन 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 खलल होता है, खनन भी नहीं होता। बताओ ना कहाँ है? क्यों करते रहो? जबरदस्ती ढूंढ रहे। करो करो करो, रात को 12 बजे आओ फिर नौटंकी करो। सही है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। दूसरों का मूड खराब कर दो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है आप कर रही है ना, अब ये खुद कर रही है ना, अब फिर मुझे मत बोलना सुबह कि मैं करता हूँ।
तो आप वो मैसेज पढ़ा रहे थे, क्या जा रहा था आपका? मेरी पर्सनल लाइफ है। मैंने काहे की पर्सनल लाइफ, जब पर्सनल लाइफ रखनी थी तो शादी क्यों की? बाकी बोलो ये लाइन पर्सनल लाइफ है, आई रिस्पेक्ट दैट। तो तुम तो बस फिर दूसरे के मैसेज क्यों पढ़ रही हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं अपना काम कर रही हूं। तुम अपना काम करो, बात खत्म। चल कुछ बोला हो कि हां भाई नहीं 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 मैं भूख हड़ताल करूंगी, मुझे मैसेज दिखाओ। नहीं नहीं मुंह मुंह किस क्यों बना रही है? मेरा मुंह है ही ऐसा। गाइस ये चीज चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो गाइस मैं सोच रहा हूं आज कर लेंगे इसको, हर दो दिन में इसको कुछ ना कुछ करना होता है ना। ओ भाई साहब ये तो बढ़िया था गुरु। तो क्या हो गया भाई, सोफे पे भी कभी कभी सोना चाहिए। मेरी कमर में दर्द है इसलिए सो रहा हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत दिक्कत। आपके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिया। कोई बात नहीं भाई, आपके मुंह पे दरवाजा मार दिया। ठीक है ठीक है, सोफा भी ठीक है भाई हमारा, ये वाला ज्यादा सॉफ्ट है, सो जाएंगे। क्या है? नहीं निकलो। अरे उस रूम में मेरा फोन है और उनके पास पासवर्ड है। अरे दरवाजा तो खोल दे यार। अच्छा गाइज कोई आदमी टेंट तो बहुत बना, लेकिन चटक पड़े में ये इंसान फोन लेना भूल गया अंदर से। अब मुद्दे की बात ये है कि अगर भाभी जी ने वो फोन देख लिया तो आएगा मजा, है ना? कुछ है ही नहीं फोन। मैंने चैट डिलीट कर दी थी। नहीं चैट है मेरा भी यही था। क्यों नहीं बोलते? कट कहाँ गए भाभी जी? देखो क्या कर रही है, मैसेज डिलीट कर दिए, क्या ही करूंगी मैं। मैसेज डिलीट कर दिए मैंने? हाँ। अच्छा दिखाऊं? क्या दिखाऊं? आज के मुख्य समाचार, बाबा के एसआर ने खोला अपना फोन। देखो देखो फोन चेक कर रही है। मैं मेरे को पासवर्ड ही नहीं पता। अभी क्या कह रही थी? सब होता है प्राइवेसी में खंडन खनन खनन। भैया मुझे पासवर्ड ही नहीं पता इसका। अच्छा मैं खोल दूं? 100 रुपए दो पहले। एक बात बताना, अभी क्या बोल रही थी? मैं तुम्हारा पासवर्ड तो आपने दिए नहीं। मैं अभी बोल रही थी मैं तुम्हारा पासवर्ड खोल के अगर फोन चेक करूं तो उसे बोलते हैं प्राइवेसी में खंडन करना। कहां खोला है फोन? पर्सनल लाइफ का मतलब ये होता है कि मैंने तुम्हारा फोन ले लिया और सारे मैसेज चेक कर रही हूं मैं। कोशिश तो पूरी कर रही है। क्या खोला है बताओ? कोशिश तो कर रही है। मैसेज स्वाइप करे हैं, ऐसे ऐसे हटाए, क्लियर किया है। अच्छा क्यों? टाइम पास नहीं हो रहा है। टाइम पास करना है? दूध गर्म कर रही हूं ना, गर्म नहीं हुआ है। अच्छा 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 दो मैं खोल के दे दूं। खोलो। कौन दूंगा फोन? क्यों ले जा रही मुझसे दूर? दो तो फोन को देखो, फोन को घूर के देखो। सारी चैट डिलीट हो चुकी है। चैट डिलीट हो चुकी है, लो चैट डिलीट हो चुकी है, देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, खोल दो खोल दो। ओह माय गॉड यार, अडैप्टर नहीं मिला। सबसे ऊपर मैसेज तो देख किसका है, बीवी का मैसेज नहीं है? हां तो क्या हो गया? बीवी के ओआरएस मंगाया तुमने? नहीं मंगाया। गुड़ मंगाया तुमने? हां गुड़ मंगाया है इसने? इतना तो डब्बा भर के रखा कर। वो खराब हो रखा है, वो गुड़ नहीं खाना मुझे। दो तरह का नहीं, ये नहीं बताया भाई साहब मुझे। इसीलिए मैं कोई काम किसी को नहीं बोलती, मैं अपना काम खुद। ओआरएस पड़ा है, गुड़ पड़ा है, ठीक है, नोटंकी मत कर। वो गुड़ खराब हो रखा है। नहीं और भी पड़ा है। वो गुड़ खराब हो रखा है। और भी गुड़ पड़ा है, इतना सारा गुड़ खराब हो रखा है। और बता। बस नहीं कुछ कुछ नहीं, बस तुम्हारा रिप्लाई आ गया, मैं खुश हो गई। कितने दिन का खुला पड़ा है? ओआरएस से खुला बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? ओआरएस कोई फिल्म का है जो खुला बंद होएगा? खुला नहीं रखते उसको। वो कितने दिन पुराना पता है? लास्ट टाइम मुझे लूज मोशन हुए थे तब पिया था वो। लास्ट टाइम लूज मोशन एक हफ्ते पहले थे। एक हफ्ते पहले नहीं हो गए थे, एक महीने हो गई उस बात को। देखो सारे चैट चेक कर रही है और कह रही खोला एक भी नहीं है मैंने। ये अब खोलेगी ना, एक ही करके खोलेगी। लो भाई सब खोल लिया खोल लिया। ये देखो
हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। पिज्जा भेज दिया तुमने? बोलो बोलो। पिज्जा भेज दिया? कोई पिज्जा नहीं भेजा। भेज दो। वो 24 घंटे पिज्जा ही मांगती रहती है। मैं बताता हूँ लोगों को, तुम जो मेरी इमेज खराब कर रही हो, ये डॉक्टर है और इनसे ये देखो मैं मम्मी की दवाई की बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर पिज्जा मांग रही। मैं बता रहा हूँ क्या, वो मेरी दोस्त भी है, ठीक है? तो उसने बोला कि फीस के नाम पे पिज्जा दे देना, ठीक है? और उसने ये देखो सारी दवाई ववाई मैंने उसको भेजी है कि ये है। उसने बोला बीपी की दवाई तो नहीं ले रही आंटी? मैंने कहा नहीं, बीपी की दवाई नहीं ले रही है। उन्होंने बोला कॉन्टेक्ट भेज दो, मैंने कॉन्टेक्ट भेज दिया मम्मी का। नाम ठीक है, दिखा रहे हो उसका बेचारी का। तो नाम दिखाने से क्या है, ये उसका नाम ही नहीं है रियल। उसका रियल नाम तो कुछ और है, ये तो हम बुलाते हैं ना उसको। हो गई खुश? अब तुम हो गई खुश? अब हो गई? शक करती हो मुझ पे? बताओ क्यों शक करती हो मुझ पे? बताओ, जनता जानना चाहती है। तुमने छुपाया क्या जब मैंने ऐसे करा आगे को? तो तुमने तो मैं मजाक मस्ती भी तो कर सकता हूँ। मजाक मस्ती नहीं थी बेबी। तो मैं क्यों छुपाऊंगा? सुन तो, एक मैसेज है, ये मैसेज है, मेरे को मम्मी का नंबर भेज देना, एक लास्ट बात पूछ के दवाई देती हूँ मैं। और 3 महीने होने वाले हैं और वैसे 5-6 साल हो गए, ठीक है? मैंने आज तक तुम्हारा कभी फोन लेके ऐसे 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 चेक किया है कभी? आज पहले बेबी नहीं थी ना? नहीं, बहुत बार। मैं बताता हूँ क्या करती है ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं करती, ये बैठती है फिर जैसे जैसे ये अभी चेक कर रही थी ना वैसे करती है, ये ऐसे पढ़ती रहेगी। हाँ जी 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 जी, जो इसको ऐसा लगेगा ना कि जिसमें कुछ ऐसा है फिर उसको खोलेगी। वो लड़की ने खुश हो गई, उसकी चैट तो नहीं खोली मैंने। हाँ खोल लेती तो ये पता उसमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? जिसमें कुछ मिले, जिसमें कुछ शक तो है, जिसमें तुझे शक है वो तूने खोल लिया ना। इसने पता क्या कहा, जिसमें शक है अगर उसे डायरेक्टली खोलूंगी तो इसे पता चल जाएगा। तो इसने ऊपर नीचे किया। आज आज सारिका जी, आज मेरा दिल बड़ा दुखा है। आज सारिका जी नहीं, आज मेरा दिल बड़ा दुखा है। आपने मैसेज नहीं मिले, नहीं हड्डियां दुखती। वो मैसेज मैंने, ये प्रैंक था। नहीं, दिस इज प्रैंक। ये ना कैमरा इधर देखो, ये कैमरा प्रैंक 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 बोलने दो। जो मैसेज मैंने खोला वही मैसेज आया था जब मैंने ऐसे देखा तुमने छुपाया, इसलिए सिर्फ वही मैसेज खोला, वरना और भी नीचे चैट्स होंगी, मैंने और कोई मैसेज नहीं खोले। पर ये प्रैंक जब था ना? तुम छुपाओगे, शक वक क्यों होता है जब इंसान कोई चीज छुपाता है? प्रैंक होता है ना, इसीलिए शक करता। ये प्रैंक भी होता है? कोई प्रैंक नहीं होता ये। अब मेरा मूड खराब है, मैं जा रही हूँ पिक्चर देखी। मूड खराब होगा तो पिक्चर देखेगी, वाह। चलो दैट्स इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारिका के साथ प्रैंक करना, सारिका के साथ प्रैंक करना। भाई प्रैंक के चक्कर में तुम घर उजड़वा दोगे मेरे भाई का, और कुछ ना हो ना। नहीं पर मजा आया, पर मैंने ज्यादा लंबा खींचा नहीं भाई, पता चला। सुबह खाना ही नहीं मिला। ठीक है चलो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। सोना पड़ता वो अलग।